दोस्तों, मैं डॉक्टर नासिर खान आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से किडनी स्टोन को आप निकाल सकते हैं, किडनी स्टोन को किस तरह से जो है आप मैनेज कर सकते हैं। और किडनी स्टोन क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पोजीशन हो जाती है, क्योंकि यूरेटर में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से यूरिनेशन नहीं होता है, मिच्यूरेशन होने लगता है। मिच्यूरेशन उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें कि पेशाब में जलन आती है, दर्द होता है, और जो दर्द होता है वो ज़्यादातर रात के टाइम में होता है, और जो दर्द होता है वो इतनी सीवियर कंडीशन में होता है कि मरीज़ को जो है इंजेक्टेबल इंजेक्शन लेने पड़ते हैं दवाइयों से, कई बार टैबलेट से वो कंट्रोल में नहीं आता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से उसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं, और किस तरह से आप जो है अपनी जो स्टोन है, जो यूरेट्रिक कैलकुलस है, स्टोन चाहे वो 6 mm की है या 5 mm की या 4 mm की, तो उसे किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ। ये और कौन सी दवाई से निकाला जा सकता है आराम से, वो भी मैं बताऊँगा। अगर आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और आप वीडियो का आनंद लेते रहें। आनंद इसलिए कहूंगा कि जो भी परेशान होते हैं उनको जो है सलाह देकर जो है मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो आपको भी आनंद आता है। दोस्तों, इस आनंद को जो है बरकरार रखिएगा। तो हम बता रहे थे कि आपको किस तरह से आप जो है स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। तो स्टोन को बाहर निकालने के लिए एक टैबलेट आती है, ये होती है टामसियोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड 0.4 mg की। ये सुबह शाम एक एक टैबलेट खानी चाहिए। इसके साथ साथ, क्योंकि अब इसका ये मैं फंक्शन बता देता हूँ कि ये दवाई क्या काम करती है। जब किडनी दोनों तरफ होती है, किडनी से जो है जो किडनी से यूरिन को पास आउट करती है वो यूरेटर होते हैं। यूरेटर से जो है जो पेशाब होता है, जो यूरिन होता है, वो आता है यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के ज़रिए, जो पेशाब की नली होती है यूरेथ्रा, जो पेनिस को जो है क्रॉस करती हुई आती है और बाहर निकाल देती है यूरिन को, तो उसे कहते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के ज़रिए ये डायलेट करती है, जो ये टैबलेट मैंने बताई टैमसियोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो है ये डायलेट कर देती है, जिससे कि वो जो है वहाँ से यूरेटर से जो है स्टोन पास आउट हो जाता है आराम से। अब पास आउट तो हो गया, अब इसे कैसे जो है छोटा किया जाए, तोड़ा जाए, तो उसके लिए जो है आपको यूरेलाइजर MB6 जो है एक दवाई आती है लिक्विड फॉर्म में, उसे जो है एक गिलास पानी में डालकर 2 चम्मच या 10 ml 15 ml सुबह शाम पीजिएगा, या 3 बार भी पी सकते हैं, तो उससे भी आपका किडनी स्टोन बाहर आ जाएगा, और वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आप जो है इसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम या पोटेशियम टैबलेट भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ इंजेक्टेबल भी ले सकते हैं, इंजेक्शन अगर सीवियर कंडीशन है तो, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि कई बार जो स्टोन होता है उसका साइज़ जो है बहुत बड़ा होता है, बड़े में दिक्कत आती है। छोटे साइज़ की जो स्टोन है वो इंशाल्लाह इस दवाई से, जो मैंने आपको बताई है टैबलेट फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में, दोनों से बाहर निकल जाएगी दोस्तों। और इसके साथ आप जो एक हर्बल मेडिसिन आती है वो भी ले सकते हैं, सिरप नीरी के नाम से, वो 2-2 चम्मच पी सकते हैं, उससे भी बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह से हम जो है आपको बताते रहते हैं किडनी स्टोन के बारे में। पहले भी मैंने कई बार वीडियो डाली है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इन दवाइयों का आपको लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं ये दवाइयाँ, और वैसे भी आप अपने नियर बाई मेडिकल स्टोर जाकर वहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे ये पता पड़ता रहे कि आप मेरे जो है रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के साथ साथ आपको वो वीडियो पसंद आ रही है और आपने उसका फ़ायदा उठाया है। जय हिंद।